هم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير الله وحده لا شريك خالق کائنات مالک حقیقی مدبر جہاں جس کے ہاتھ میں تمام خیر ہے جس کے حکم سے ہر طرح کے تصرفات وجود میں آتے ہیں امن و امان سلامتی نیک بختی بدبختی سعادت شقاوت جس کی مشیت کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت اسی کے لیے ثنا و شکر ہے فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم احباب گرامی شریعت اسلامیہ بذات خود ایک مکمل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی رکھتے ہیں شریعت اسلامیہ میں ہر طرح کے اونچ نیچ اور اچھائی برائی کا سمادھان اور پراودھان ہے جو انسان شریعت مبارکہ مطہرہ کا کامل متحمل ہو جائے شریعت کا پابند بن جائے وہ آدمی نہ ظالم ہو سکتا ہے نہ فاسق ہو سکتا ہے نہ فاجر ہو سکتا ہے نہ کاذب ہو سکتا ہے وہ انسان عدل و انصاف رواداری اور ہمدردی کی راہ پر گامزن ہوگا اور اسی پہ چلے گا امن و آشتی سلامتی رحمتیں برکتیں ظلم و استبداد ان تمام چیزوں کا فیصلہ روئے زمین پر لاگو ہونے سے پہلے ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں کو تلقین کیا گیا کہ وہ دین اسلام اور شریعت مبارکہ مطہرہ کا پابند ہو جائے اور رب تعالیٰ کی رحمتوں میں ہما وقت ہوگا عزیزان گرامی ملک عزیز ہندوستان وطن عزیز بھارت ظلم و استبداد گولیوں اور آگ کی زد میں ہے بیشتر حصوں میں فسادات بپا ہیں ظلم و جبر
का बाजार गर्म है। ऐसी सूरत हाल में एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है, एक अच्छे इंसान की जिम्मेदारी क्या बनती है, वह ऐसी सूरत हाल में क्या रिएक्ट करे, उस एक्शन का रिएक्शन क्या होना चाहिए। आया जज्बाती होकर के आदमी अपने आप को आग में धकेल दे, या तो वो मजलूमियत के शिकार हो जाए, या अपनी कोताही और गलती के बिना पर जालिमों के जुमरों में शुमार हो जाए। हर सिचुएशन से निपटने के लिए कुरान ने, नबी की सुन्नत ने हमें तरीकाकार बताया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी करबनाक और अंदोहनाक है, काफी दर्दनाक है, और जिस तरीके के वारदात पेश आए वो इंतहाई भयानक है। सबसे पहले तो बारगाह रब्बुल इज्जत में हम दुआ करेंगे कि इन फसादात और जुल्म व जबर के जो मोमिन मवाहिद मुसलमान शिकार हुए हैं, परवरदिगार आलम उनकी मगफिरत फरमाए, उनको शहीदों के जुमरों में शामिल करें, और जो जालिम है तो उसके जुल्म की शदीद तरीन सजा उसे दे, उसे दुनिया के लिए निशाना इबरत बना दे। जो लोग कत्ल किए गए मक्तूलीन के वारिसीन को, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आलम इस्लाम को इज्जत अमन आश्ति अता फरमाए। मेरे यारों, मेरे प्यारों, जवानों और बुजुर्गों, ये वक्त अकलमंदी, दानिशमंदी, सब्र इस्तेक़लाल और फहमो फिरासत के साथ गुजारने और ऐसे मामलात से निपटने की हमें जरूरत है। जज्बाती तौर पर ना ही हमें आग में मजीद तेल डालकर उसे भड़काना है, ना ही जालिमों को रास्ता देना है, ना ही कातिलों के रास्ते हमवार करने हैं, बल्कि दायरे शरीयत में रहते हुए, दायरे आईने हिंद में रहते हुए उन जालिमों और कातिलों को जवाब भी देना है। क्योंकि शरीयत ना फसाद की तालीम देती है, इस्लाम ना ही जुल्म की तालीम देती है, और ना जुल्म को इस्लाम बर्दाश्त करता है। कभी भी इस्लाम ने जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं किया, ना ही जुल्म को फरोग दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को जब से राइज किया सुए जमीन पर, तब से जो असली मुसलमान है उसने अपने हाथ को जुल्म से बचाए रखने की भरपूर काविश और कोशिश है। एक बात और यहां मैं मेंशन करूं, बाज लोग कहते हैं कि 1400 साल पहले यह दीन आया है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये वही दीन है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस रुई जमीन पर उतरा। यह अलग बात है कि अलग अलग औकात में जरूरियात तो हाजात के पेश नजर अल्लाह तबारक व तआला ने सवा लाख, तकरीबन सवा लाख की तादाद में अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु तस्लीम को वक्तन फौक्तन जरूरत के तहत भेजते रहे। कौम के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ, उस बिगाड़ की इस्लाह के लिए शिर्क और जुल्म इस्तेबदाद की गहरी खाई से इंसान को जलालत और गुमराही की गंदगी से निकालने के लिए अलग अलग औकात में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को भेजा, और फिर भेजते भेजते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
उसी दीन को जो आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे यहां पर मुकम्मल किया और बाकायदा तौर पर इसमें तरमीमो तख़फीफ कमी और बेशी और उतार चढ़ाव की कोई गुंजाइश बाकी रहने नहीं दिया। हर जमाने में दीन इलाहिया और कवानीन इलाहिया ने इंसान की फलाह और बहबूदी की राहें हमवार की और दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी मिसालें पेश की कि दुनिया हैरत ज़दा ही नहीं बल्कि मुसलमानों की हुक्मरानी को तस्लीम ही नहीं बल्कि उनके लिए अपने अपने मजहब के अंदाज में मुसलमानों की हुक्मरानी के लिए दुआएं की और वक्त के हुक्मरानों से गुजारिशें की, अपील की कि आप लोग जिन जालिमों से आप लोगों ने हमें निजात दिया था हमें उनके हवाले करके मत जाइए। बहरहाल बहुत ज्यादा तारीखी वाकयात में जाना नहीं चाहता, अलबत्ता इस जुल्म इस्तेदाद के बारे में शरीयत ने जो रहनुमाई की है या शरीयत ने जिस तरीके से जुल्म का खिला कमा किया है और जुल्म की तरदीद और उसकी मजम्मत की है उसको मैं चंद अल्फाज और जुमलों में रखने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान पाक में इंसानी जानों की तहफ्फुज के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया और बहुत बड़ा हुक्म जारी किया। आज इंसानों की जानों की कोई कदर कीमत नहीं समझी जा रही बल्कि कुत्तों बिल्लियों चूहों छछुंदरों सांपों और बिच्छुओं के तहफ्फुज के बाकायदा तहरीकें चलाई जा रही है। अभी एक ही वीडियो रात में देख रहा था, एक मुसलमान को पकड़ा हुआ है, गालिबन वो दिल्ली नोएडा के हैं। कहा कि इसको इसलिए हवालात में बंद किया है कि इसकी कार के नीचे एक चूहा आके दब के मर गया। इस हद तक सही है गलत है वो सोशल मीडिया जाने, मगर वहां जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक ये जानकारी मिली कि इस आदमी को इसलिए बंद किया गया हवालात में, हथकड़ी इसलिए डाल दी गई कि इसकी कार के नीचे चूहा आके मर गया और किसी ने उस पर एफआईआर कटवा दिया। मैं कहता हूं यही वो हिंदुस्तान है जिसमें चूहों की मौत पर जब एफआईआर कट सकती है तो एक इंसान को सरेआम, एक सीधा साधा इंसान को, एक सीधे साधे व्यक्ति को यूं ही सरेआम बिना वजह बिना सबब जो कत्ल किया जा सकता है। क्या इन्हें हिंद कानून हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की इजाजत देती है? नहीं देती है। बल्कि इस्लाम ने जानवरों के साथ भी हमदर्दी के मामलात की तलकीन की है कि किसी भी जानवर के साथ ज्यादती ना की जाए, बल्कि यहां तक फरमान जारी किया कि अगर कोई इंसान किसी जानवर को तापा कर मारता है तो उसके एवज उसे जहन्नम में जगह मिलेगी। अभी चंद अय्याम पहले ही मैंने ईशा के दर्स में वो हदीसें पाक रखी, औरत सही मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर व सिलत व अज़ाब की हदीस कि जिसमें एक औरत एक बिल्ली को तड़पा तड़पा कर भूखे प्यासी मार देती। शरीयत ने कहा, मेरे नबी ने कहा उस बिल्ली को भूखे प्यासे मारने की वजह से रब ताला ने उस आदमी को जहन्नम में डाल दिया। वही दूसरी जानिब एक फाहिशा एक बदकार औरत एक कुत्ते को पानी पिलाती है जिसके पादाश में उसे अल्लाह तबारक व ताला उसकी मगफरत करके जन्नत में डाल देता। मेरा दीन ये है, मेरे नबी की तालीम और मेरे नबी की शरीयत ये है, इस्लाम ये है कि कुत्ते बिल्ली पर भी किसी तरह के जुल्म जबर न किए जाएं। अब आप कहेंगे बास अहबाब को मेरी ये बातें समझ में नहीं आती, बाद में शिकायत करने लगते हैं सियासी गुफ्तगू, ए अकलमंदों की जमात यह सियासी व्यासी गुफ्तगू नहीं है, ये मैं नबी की हदीस बयान कर रहा हूं। और मैं क्यों बयान कर रहा हूं? जब भी किसी मुसलमान के ऊपर कहीं भी जुल्म हो, हर मुसलमान की हर फर्द की यह जिम्मेदारी है कि उस पर
نقد کرے، تنقید کرے، اس کی مذمت کرے، اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدیات، حدیث پاک، سنن ابن ماجہ کتاب الدیات، ابن ماجہ شریف، جہاں پر بے جان قتل کیے جانے والے لوگوں کو دیت، تاوان اور جرمانہ دینے کا بیان ہے، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا لزوال الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، حدیث پاک میں نے بتایا، ابن ماجہ کتاب الدیات، آپ نے فرمایا لزوال الدنیا اهون علی اللہ، لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق۔ اے دنیا والوں سنو، انسانی جانوں کے تحفظ اور اس کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے، ایک مومن کی جان کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے، ایک مومن کی جان کی قیمت کو، ایک مسلمان کی جان کی قیمت کو بتاتے ہوئے رحمت للعالمین سرور گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لزوال الدنیا اهون علی اللہ، اتنا بڑا جرم ہے کسی مومن مسلمان کا قتل، اگر وہ ناجائز ہے، بلا وجہ کسی مومن مسلمان کو قتل کیا گیا، تو اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جتنا بڑا پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ نئی بات سمجھ میں آئی مولوی صاحب؟ نہیں، آپ کی آواز بہت تیز تھی، نہیں سمجھ میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کا ناجائز قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو ایک انسان تباہ و برباد کر دے اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا گناہ، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ وہ آواز بلند کرے، مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ وہ آواز بلند کرے۔ آج میڈیا میں، میڈیا کے چند کتے نما میڈیا جو مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے کام کر رہے ہیں، اور اس پر مسلمان خوف و ہراس میں مبتلا ہے، مسلمان ڈر رہا ہے۔ ارے مسلمان کے ضمیر کے اندر ڈر نام کی کوئی صفت ہی نہیں، مگر مسلمان چونکہ ایمان سے آ رہی ہے، ایمان سے خالی ہے اس کی زندگی، اسی لیے ڈر رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم، اتنا بڑا جو ہے میدان ہے کہ یہاں پر ہر کوئی میڈیا بن سکتا ہے، ہر کوئی اپنی جائز بات رکھ سکتا ہے، ہر کوئی اچھائی کی تائید اور برائی کی مذمت کر سکتا ہے، مگر یہ قوم نبی کی سیرت کو، نبی کی حدیث کو، اچھائی کو پھیلانے کے بجائے رنڈیوں، ناچنے والے خسروں، ہجڑوں اور بے حیا عورتوں کی ویڈیوز کو پورا نشر کرتے ہیں، اور اس کو شائع کرنے میں کوئی جو ہے تردد محسوس نہیں کرتے، کوئی خوف محسوس نہیں کرتے۔ ارے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی وہی قدر و قیمت کے حامل ہو کہ جو حدیث پاک میں بھی بیان کی گئی، تو اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، فحشکاریوں میں، جہالت میں، صفات میں مبتلا نہ کرو۔ تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جس کے اخلاق کے بارے میں سرور کونین اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم اس نبی کے ماننے والے ہو کہ جس کے اخلاق کے برابر کسی کا اخلاق ہی نہیں۔ کیا تمہیں زیب دیتا، تمہارا ایمان زیب دیتا، تمہارا دین زیب دیتا، تمہاری شریعت زیب دیتی ہے کہ تم بے حیائی اور فحشکاری اور ناچنے والیوں اور خسروں اور ہجڑوں اور ناچنے والے فحشکاروں اور فحشہ عورتوں کی تصویروں اور ان کے ویڈیو کو خوب نشر کرو؟ یہ نہیں ہوگا مولوی صاحب، یہ نہیں ہوگا، اس میں مزہ نہیں آتا ہے سیرت میں۔ ارے بے ایمانوں کو کیا سیرت میں مزہ آئے گا، بے دینوں کو کیا سیرت میں مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا مولوی صاحب، مت آنے دو، مت آنے دو۔ جب اپنے ایمان کو
फरोश करोगे अपने जमीर को और अपने ईमान से खुद को दूर कर दोगे इस्लाम से शरीयत से, फिर तुम्हारी रुसवाई तुम्हारी मुकद्दर होगी। बहरहाल एक मोमिन की जान की कीमत यह, मगर शरीयती इस्लामिया ने सिर्फ मोमिन ही की जान की कीमत नहीं बताई, बल्कि इस्लाम ने जिस इस्लाम को आज ये नारे लगाए जा रहे हैं सरेआम कि मुसलमानों को खत्म कर दो, इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर दो, अरे ये मुसलमान बेदीन बेनमाजी बेमुरुवत डरपोक बुजदिल खा जाएगा। अरे क्या खा जाएगा, क्या खा जाएगा? मुसलमान वो है जो एक वक्त था कि सहरा और जंगलों में शहादत को ढूंढते फिरते थे कि अल्लाह के नाम पर उसके दीन के तहफ्फुज के लिए इंसानियत की हिफाजत के करते करते मेरी मौत आ जाए मैं मारा जाऊं। मुसलमान मौत से नहीं डरता, मुसलमान तो मौत ही को असल जिंदगी तसव्वुर करता है, मगर ये दुनिया परस्त मुसलमान मौत से डरता है। है ये अब्दुल दीनार मुसलमान है, ये अब्दुल रुपया अब्दुल पैसा, ये पैसों और दीनार और दिरहम और सोने और चांदी है और इस चीजों के ये बंदे आज के मुसलमान ये मौत से डरता है, ये मौत से डरता है, मौत से मत डरो। मौत के बाद मुसलमानों की असल जिंदगी शुरू होती है। डरने की जरूरत नहीं, कुरान पर अमल करो, कुरान पर अमल करो, नबी की हदीस पर अमल करो। गैर मुस्लिम जो आज मारने के लिए तुम्हें दौड़ते हैं, बस सब नहीं दौड़ते, गैर मुसलमान सब फसादी नहीं है, ये भी जहन नशीन रहे, नहीं है फसादी, अच्छे हैं, मगर शर पसंद और फसादी कुछ है जो अपने फसाद की वजह से मुसलमानों को मुसलमानों के ऊपर जो है अटैक करता है और उसको खुद जो है तरह तरह के फसादात के बीज बो के और आग भड़का करके मुसलमानों को बदनाम करता है, ये कुछ ही लोग हैं। मगर सोशल मीडिया में चूंकि उस जहर अफजानी की रफ्तार और तेज हो चुकी है जिसकी वजह से उससे अच्छे अच्छे लोग भी मुतासिर हो रहे हैं और मुसलमान जो है खौफजदा हो रहे हैं। लिहाजा तुम्हें खौफ में मुबतला होने की जरूरत नहीं, तुम दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मालिक़े अर्ज़ो समा, आज जो लोग जुल्म इस्तिदाद पर उतर आए हैं उनके मुकाबले में हम तुझे करते हैं, तू हमारी तरफ से दिफा कर, तू उन जालिमों का बदला ले ले, तू उन जालिमों पर कायर बन के टूट पड़। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाह उनके शर से हम पनाह चाहते हैं। मगर मौलवी साहब हम कहां से पढ़ेंगे, ये दुआ तो यादें नहीं है, हम तो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, बददीनों बदमजहबों कहां से पढ़ोगे? शरीयत को तुमने जाना ही नहीं, दीन को जाना नहीं। बार सूरत मैं वो बता रहा था कि अभी तो मैंने हदीस पाक में बताया कि एक मुसलमान की जान की कीमत क्या है, इसलिए हम आवाज उठाते हैं, इसलिए हम तुम्हारे जमीर को झिंझोड़ते हैं कि जिंदा हो जाओ मुर्दो, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ मुर्दो, जिंदा हो जाओ। और जिंदा करने के वाहिद आला किताब और सुन्नत है, तुम्हें अगर जिंदगी दे सकती है तो रब का कुरान दे सकता है, अल्लाह का फरमान दे सकता है, एक ही किताब है जो तुम्हें जिंदगी दे सकती है वो कुरान है। और वही कुरान बताता है अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सन अव फसादिन फिल अर्ज फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। हैं ये आवाज तो इस खबरान कर दो दुनिया वालों को कि मुसलमान जालिम नहीं, दीन जालिम नहीं, इस्लाम जिस पर तुम दिन रात भोंकते हो, ऐ भोंकने वालों पागल कुत्तों, ये दीन ये शरीयत ये जालिम नहीं, ये जुल्म करने की ताइद नहीं बल्कि जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं रखती। ये कुरान रब का बयान फरमाता है, अगर किसी भी शख्स ने किसी एक इंसान की, एक इंसान की, एक मुसलमान नहीं कहा, ये बात काबिल गौर है, ये बात काबिल गौर है, एक मुसलमान की नहीं बल्कि एक इंसान की, चाहे इंसान में हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो धेड़ हो चमार हो कोई भी हो यहूदी हो ईसाई हो दुनिया का कोई भी इंसान हो किसी भी जात और कास्ट से रखने वाला हो किसी भी मजहब और धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो अगर नाजायज तौर पर
किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया गया तो ये दीन, ये कुरान, ये इस्लाम, ये मुसलमान का दीन कहता है कि उसने पूरी कायनात को नहीं, पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को मार दिया है, ये इस्लाम है। अरे तुम खुद पढ़ोगे नहीं, दूसरों को क्या बताओगे, नचनियों को शेयर करोगे, क्योंकि कुरान के रूह से तुम तो वाकिफ नहीं हो मुसलमान। और कहोगे मौल साहब काहे बिगड़ रहे, तो मौल साहब की वजह तो मालूम है काहे बिगड़ रहे। अब इस वक्त जबकि मुसलमानों को जागने और होशियार होने की जरूरत है, कुरान को लेकर के, नबी के फरमान को लेकर के, उसमें तमाम तुम्हारे समस्याओं का प्रावधान है, उस किताब को लेकर के तुम्हें जागने और जिंदा और खड़े होने की जरूरत है। जो किताब ये कहती है, जो दीन ये कहता है, किसी भी एक इंसान का अगर नाजायज कत्ल किसी भी इंसान ने कर दिया, ट्रेन में गोली मार दिया उस बदबख्त जलील कुत्ते ने, ट्रेन में मारा तीन मुसलमान एक गैर मुसलमान मारा, उसने पूरी इंसानियत को चार बार रोल के रख दिया कत्ल कर। अभी हरियाणा में जो हो रहा, जो भी इसमें मारा जा रहा, ये फसादी पूरी इंसानियत को मार रहे हैं, पूरी मानवता का शर्मसार कर रहे हैं, और वक्त के हिसाब से ये फसाद बरपा होता रहता है। और ये मुसलमान और इस्लाम पर भोंकने वाले, इन कुत्तों को अपनी तारीख बता दो, सुनन बैहकी और मुस्तदरक हाकिम वगैरह की एक रिवायत जिसमें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक रोशन बाब बयान किया गया। मैं आपको बताता, दीन इस्लाम को ये जो रुसवा करने वाले लोग हैं, इन्हें तुम जवाब दो, इनको तुम बताओ कि मेरा दीन क्या है, मेरा इस्लाम क्या है, है? ये जो तुम भोंक भोंक के बदनाम करने की कोशिश करते हो, और जिन दो चार ढेर चमार सिफर शराबी कबाबी जानी फाजिल फाजिल को अगर कहीं हाईलाइट करके तुम बताते हो कि ये मुसलमान, ये इस्लाम, ये दीन, ना नहीं नहीं नहीं, वो दीन नहीं है। दीन ये है जो अभी मैंने कहा, और दीन ये है जो अब मैं कहने जा रहा हूं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने एक यहूदी आलिम से कर्ज लिया, हम भी कर्ज लेते देते, एक यहूदी आलिम से कर्ज लिया, यहूदी आलिम से कर्ज लिया, एक डेट फिक्स था कि उस तारीख में आकर के हम ले लेना, यानी इतने दिन बाद। उस मुद्दत से पहले यहूदी आलिम आ गया, और सिर्फ आ नहीं गया, आ नहीं गया, आने के बाद उसने शान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियां करने लगा, बदकलामी करने लगा, हाय 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 लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, तुम उस दीन को मानने वाले हो, जिस दीन में जिस साहिब शरीयत की ये सीरत है, जिनका अखलाक ये है, यहूदी आलिम बरहम हो रहा है, भड़क रहा है, बिगड़ रहा है, हाय हाय खिदमत आलिया में, हाय ताजदार के, ताजदारे कौनैन के साथी रफीक मोहतरम, रफीक यार जनाब सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो है, वो हजरत उमर फारूक जिनकी शमशीर पर रहना होती, और गुस्ताख रसूल की गर्दन मारने के लिए उनकी तलवार चमकती रहती, सरवरे कौनैन की खिदमत में बैठे हुए हैं, और यहूदी गुस्ताखी कर रहा है, अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर से बर्दाश्त नहीं हो सका, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए या अबू अल्लाह, ए दुश्मन खुदा, ए दुश्मन खुदा, तो क्या किए जा रहा है, मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो रसूलुल्लाह से इस तरह बात कर रहा है, हाय हाय हाय, कहा कि अगर मेरे रसूल के आदाब अखलाक और आपके एहतराम की हमें परवाह न होती, तो मैं इसी वक्त तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देता। हाय हाय हाय, उस वक्त क्या करना चाहिए था, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, है ना, इस पर बवाल होता है। आए जरा जवाब तो सुनो सरवरे कौनैन का, सरवरे कौनैन ने कहा, ए उमर खबरदार, तुम्हें ये लहजा, ये तरीका, ये रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, इस तरह तुम्हें गरजना नहीं चाहिए, इसको डराना धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें यह कहना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप भी इन्हें अदा कर दीजिए। तुम हुस्ने अदायगी की तलकीन मुझे करते, अरे ये कौन कह रहा है? सरवरे कौनैन कह रहा है? कौन कह रहा है जिसके ऊपर दुनिया के वो दरिंदे, वो बेसूख नाकारा इंसान, नाकारा कुत्ते जो भोग करके शान रिसालत में गुस्ताखियां करता है। ओ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बाने वही तर्जुमान से अपने साथी को, अपने रफीक को कह रहा है, ए उमर तुम्हें मुझे हुस्ने अदायगी की तलकीन करनी चाहिए। ए उमर तुम्हें इस यहूदी आलिम को कहना चाहिए कि बाबू भैया तुम्हें इस तरह नहीं गुस्ताखी करनी चाहिए, अच्छाई के साथ तुम्हें मांग लेना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये तलकीन किया। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात और आगे है। सरवरे कौनैन ने कहा, ए उमर तुमने इसे डराया है, दहशत ज़दा किया है, मारने की धमकी दी है, चलो चलो इसके कर्जे को अदा कर दो, इसका जो माल था वो दे दो, और मजीद 20 साख खजूर। ये एक साख कितना होता है? रमजान वाला सदका फितरा ज़कात किसी को याद होगा तो मालूम हो जाएगा, बाद में मालूम कर लेना एक साख कितना होता है। कहा कि 20 साख खजूर इसे और एक्स्ट्रा दे दो और इन्हें जाने दो अच्छाई के साथ। मेरे नबी का अखलाक ये था, इस्लाम की तालीम ये है, इंसानों की जानों के तहफ्फुज़ और इंसानों के हिफाजत के ताल्लुक से शरीयत ये पैगाम जारी करती है, कुरान की ये तालीम है, रसूलुल्लाह की ये तालीम है। दुनिया वालों मुसलमान बन जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारे गुलाम ये तमाम कुफार हो जाएंगे, ये भी मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह जल्ले शानहु सुभान व तआला से दुआ है कि मौला करीम हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बना। अरे जोर से बोलो आमीन। भाई आधे मुंह में रखते हो ताकि कभी नमाज पढ़े कभी नहीं पढ़े, सब समझता वही काम कर। जोर से बोलो, अल्लाह हम सबको मुत्तबे किताब सुन्नत बनाए। ए ला आलम इस्लाम पर जो भी तशद्दुद कर रहे हैं, ला हमारे लिए तेरी जात तेरी ताकत काफी है। ला तो उन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचा। अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल अश्शर्क वल मुश्रिकीन ودمر أعداء الدين اللهم أنزل عليهم عذابا شديدا اللهم لعنهم لعنا كبيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم।